बुढ़ापे का ठंड। एक समय की बात है, रायगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में सोहनलाल नाम का एक बूढ़ा गरीब आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी रानी देवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सोहनलाल के दो बेटियां थीं, जिनकी शादी सोहनलाल ने पहले ही कर दी थी, जो अपने अपने ससुराल में ही रहती थीं। तो सोहनलाल और रानी देवी ये दोनों अपना बुढ़ापा अकेले ही गुजार रहे थे। सोहनलाल के एक भी लड़का नहीं था जो सोहनलाल और उनकी पत्नी का सहारा बन सके। सोहनलाल के 2 बीघा खेत था, जिसको अदाई रखकर अपना हल्का सा गुजारा ही कर लेते थे। और उन दिनों रायगढ़ में भयंकर ठंड भी पड़ रही थी, तो सोहनलाल और उनकी पत्नी रानी देवी को काफ़ी बूढ़े होने की वजह से अलाव पूरा दिन ही तापना पड़ता था, इसीलिए लकड़ियों की खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो सोहनलाल काफ़ी बूढ़ा होने की वजह से और काफ़ी ठंड की वजह से जंगल भी नहीं जा पाता था, पैसों की भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो एक दिन सोहनलाल रानी देवी से कहता है, अरे भाग्यवान, देखो कितनी भयंकर ठंड पड़ने लगी है, अलाव के लिए लकड़ियाँ भी बहुत खर्च होती हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, यह मोल खरीद कर लकड़ियाँ कब तक जलाएंगे, खुद तो जंगल जा नहीं सकते और पैसे भी अब ज़्यादा नहीं हैं, क्या करें, हमारे कोई बेटा भी नहीं है जिसका सहारा बुढ़ापे में होता। अरे नहीं जी, बातें मत करो, हम समस्या को समझते हैं, अब इतनी भयंकर ठंड पड़ने लगी है कि बिना अलाव के तो राहत नहीं मिल पा रही है, चलो अगर हम इसी डर के अलाव नहीं तापेंगे कि पैसों की बहुत समस्या है, तो फिर हम बूढ़े लोग फिर इस ठंड से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हमें ईंधन का तो ज़रूर जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। चलो रानी, देखा जाएगा, जब तक रुपये रहेंगे तब तक अलाव जलाएंगे, अलाव जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीदेंगे, बाद में जब रुपये नहीं रह जाएंगे फिर देखा जाएगा। फिर भयंकर ठंड में सोहनलाल लकड़ियाँ खरीद कर अलाव जलाकर ठंड से बचाव करने लगा। फिर 20 दिनों बाद एक दिन जब सोहनलाल लालू नाम के आदमी से लकड़ियाँ खरीदने के लिए जाता है, अरे बेटा लालू, मुझे इस बार 5 बोझ लकड़ियाँ दे दो इकट्ठा ही, क्योंकि तुम्हारे पास ग्राहक बहुत ज़्यादा आते हैं और हर बार लकड़ियाँ कम ही मिलती हैं, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, इसलिए मुझे इकट्ठा ही लकड़ियाँ चाहिए। अरे देखो काका, हमारे पास अब लकड़ियाँ नहीं मिल पाएंगी, वो भी 5 बोझ, 5 बोझ क्या, 1 बोझ भी नहीं मिलेगा, अब मौसम विभाग ने बताया है अभी 1 महीने और भयंकर ठंड पड़ने वाली है, जिसकी वजह से अब तो सिर्फ पूरा दिन अलाव ही तापना पड़ेगा, इतनी भयंकर ठंड में कोई कहाँ जाएगा जंगल में लकड़ियाँ लेने, इतनी ठंड में तो जंगल जाना बहुत मुश्किल की बात है। और तो और काका, इस समय भयंकर ठंड के कारण लकड़ियों का कटान भी बहुत तेज हो रहा है, इसलिए फॉरेस्ट रेंजर ने लकड़हारों पर बहुत सख्ती कर रखी है, अगर कोई भी लकड़हारा जंगल में पकड़ा गया तो उससे जुर्माने के तौर पर बहुत सारे रुपये लिए जाएंगे और भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। अरे बेटा, मैं तो लकड़ी खरीदने के एक मकसद से ही यहाँ आया था और तूने तो पूरी व्याख्या ही सुना दी, चलो अगर तुम नहीं दे सकते कहीं और देख लेता हूँ। तो सोहनलाल लालू के घर से दूसरे घर लकड़ियाँ खरीदने के लिए चला जाता है। तो सोहनलाल राजेश नामक आदमी के पास लकड़ी खरीदने के लिए जाता है। अरे काका, अब लकड़ियाँ खरीद नहीं पाओगे, जंगल में जितनी बेचा बिक गई, अब तो नहीं बेच पाऊंगा, अब फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर की अब बहुत ज़्यादा नज़र पड़ने लगी है हम लकड़हारों पर, अब तो जंगल में घुसने की भी बिल्कुल मना दी है, अब तो जंगल में घुसने को बिल्कुल सख्ती कर दिया है,
और कहा गया है कि कोई भी अगर जंगल में लकड़ियां काटते हुए या तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए काका हम फॉरेस्ट के डर के जंगल नहीं जाएंगे अब। जितनी लकड़ियां काट डाली बस उन्हीं से ही ये ठंड का मौसम काटेंगे। अरे बेटा मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन बेटा एक बोझ ही मुझे दे दो, रुपये एक बोझ के दोगुने ले लो। इस समय भयंकर ठंड के कारण कैसे भला रह पाएंगे। अरे माफ़ कीजिए काका, अब हम लकड़ियाँ नहीं बेच पाएंगे, आप कहीं और देख लो, मिल जाए तो ले लो, हमारे पास तो अब नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, जाता हूँ देखूँगा, क्या पता कहीं मिल ही जाए। तो सोहनलाल राजेश के घर से भी निराश होकर चला जाता है। फिर रात को बहुत भयंकर ठंड पड़ती है। भयंकर ठंड मौसम होने की वजह से सोहनलाल लंपत राय के घर अलाव तापने के लिए जाता है। अरे आओ आओ बैठो, अलाव ताप लो। कहाँ इधर आए हो, कहाँ इधर जा रहे थे? अभी इतनी भयंकर ठंड में और भी इतने बूढ़े होने पर। अरे लंपत, मैं तो तुम्हारे यहाँ ही अलाव तापने के लिए आया हूँ, क्योंकि घर पर लकड़ियाँ बिल्कुल हैं ही नहीं। पूरे गांव में लकड़ियाँ बेचने को कोई भी तैयार ही नहीं है। पूरे गांव में जितने भी लोग लकड़ियाँ बेचते हैं सभी के घर गया, सभी ने लकड़ियाँ देने से मना कर दिया है। सभी यही बोल रहे हैं कि जंगल में अब जंगल वाले किसी को भी घुसने नहीं देंगे और वे लकड़ियाँ नहीं लाएंगे, इसीलिए अब नहीं बेचना चाहते हैं। ठंड भी इतनी भयंकर पड़ रही है, हम क्या करें, इसीलिए रहा नहीं गया और यहाँ गए। थोड़ा ताप लेता हूँ फिर चलता हूँ। हाँ काका, यह समस्या तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। गांव वाले लकड़हारे भी क्या करें, जब जंगल के अधिकारियों ने ही जंगल में लकड़ियाँ काटने बीनने पर पाबंदी लगा दी है, और दूसरी ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठंड से निजात मिलने के भी अभी कोई आसार ही नहीं है। और फिर काका, जंगल वालों ने भी गलत नहीं किया, लोग सूखी लकड़ियाँ बीनने तोड़ने के बजाय मोटी मोटी सूखी गीली सब लकड़ियाँ काट लेते थे, जिससे जंगल का बहुत ज़्यादा खनन होता था, नुकसान होता था, इसीलिए उन्होंने ये नियम लागू किया है। और हाँ काका, काकी कहाँ हैं? अरे लंपत, काकी तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ठंड के कारण घर पर ही सोने लगी हैं अभी ही। बस उन्होंने खाना पकाया, खा लिया और लेट गई, और मैं इधर आपके यहाँ लाव तापने आ गया। क्या बता रहे हो काका, काकी अभी लेट गई? अभी तो शाम भी ढंग से नहीं हुई है और अभी सोने लगी। चलिए कोई बात नहीं काका। अच्छा ठीक है काका, काका आप ये काम करो, मैं आपको एक बोझ लकड़ियाँ दे देता हूँ, आप एक बोझ लकड़ी ले जाओ और फिर घर जाकर अलाव तापो और काकी को भी तपाओ। ठीक लंपत, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। तो सोहनलाल लंपत राय के द्वारा दी गई थोड़ी लकड़ियाँ घर ले जाता है और फिर घर अलाव जलाता है। फिर सोहनलाल और उसकी पत्नी रानी देवी अलाव तापते हैं। अलाव ताप कर कुछ राहत की सांस लेते हैं। जी ये तो लकड़ियाँ सिर्फ आज और कल सुबह के लिए ही हैं, कल के लिए तो है ही नहीं, कल हम क्या जलाएंगे? हाँ भाग्यवान, ये तो बात सही है, लेकिन अब तो जंगल वालों ने भी जंगल में घुसने से ही मना कर रखा है, और इसलिए कोई लकड़ियाँ बेचने को भी तैयार नहीं है। लेकिन मैं तो सूखी सूखी हल्की ही लकड़ी कल जाऊँगा जंगल और लेकर आऊँगा, फिर जंगल वाले जो कहेंगे फिर देखा जाएगा। आखिर ठंड से बचना है तो लाना तो पड़ेगा ही खुद ही। फिर अगले दिन सोहनलाल लकड़ियाँ काटने के लिए खुद जंगल जाता है और एक सूखे पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काटने लगता है। फिर कुछ देर बाद लकड़ियाँ काटकर घर जा रहा होता है, तभी सोहनलाल को एक फॉरेस्ट गार्ड मिल जाता है
और सोहलाल को फॉरेस्ट गार्ड रोकता है। अरे ताऊ जी, क्या बात है, इतने बूढ़े हो और जंगल में लकड़ियाँ काटने आए हो? अरे नहीं साहब, मैंने लकड़ी काटी नहीं है, सिर्फ मैंने तोड़ी है। अरे क्या करें साहब, इतनी ठंड जो भयंकर पड़ रही है, लकड़ियाँ ढुलाने पर बेबस कर ही देती है इतनी भयंकर ठंड हर किसी को। अरे वो तो बात सही है ताऊ, लेकिन गांव में तो बहुत लोग लकड़ियाँ जंगल से काट कर ले जाते हैं बेचने के लिए, किसी से खरीद लेते, इतना बोझ ढोने का कष्ट नहीं करना पड़ता। अरे साहब, लकड़ियाँ खरीदूं कैसे, आप लोगों ने तो जंगल में अब किसी को घुसने से भी मना कर दिया है, पाबंदी लगा दी है, किसी को लकड़ियाँ काटने नहीं देते हैं, इसीलिए अब कोई आता ही नहीं है, इसलिए कोई भी गांव का आदमी लकड़ियाँ बेचने को तैयार ही नहीं होता है, इसीलिए मुझे ठंड से बचने के लिए इतने बूढ़े इंसान होने की वजह से खुद ही लकड़ियाँ लेने आ गया। लेकिन साहब, मैंने कोई अवैध लकड़ी नहीं काटी है, देख लो सूखी सूखी पतली पतली ही है। अच्छा, कोई बात नहीं ताऊ जी, आप बूढ़े हो, हल्की सूखी ही तो लकड़ियाँ काटने बीनने तुम आए हो यहाँ। ताऊ जी, तुम ऐसी लकड़ियाँ रोज लेकर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उनके लिए है जो गीली और सूखी और भी बड़ी बड़ी जो लकड़ियाँ काटते हैं, अवैध लकड़ियाँ, ये पाबंदी तो उन पर लगाई गई है। फिर सोहन लाल को जंगल से पतली पतली लकड़ियाँ लाने के लिए परमिशन मिल जाती है और सोहन लाल घर जाता है। फिर सोहन लाल और उनकी पत्नी रानी देवी अलाव तापते हैं। इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कि ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।